यदि आपकी 15 लाख सैलरी है तो सही प्लानिंग करके आप 83,000 तक टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग नया वित्त वर्ष शुरू होते ही कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका कम रहती है। इसके अलावा इन्वेस्ट की अवधि भी बढ़ जाती है, जिसका फायदा ज़्यादा रिटर्न के रूप में मिलता है। लेकिन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए साल भर का समय रहता है, इसलिए अक्सर हम आखिरी महीनों में इसे ज़रूरी काम की तरह निपटा देते हैं। ऐसे में हम टैक्स की बचत भी कम कर पाते हैं और इन्वेस्ट में गलतियां हो जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। ऐसे में हमारे पास मोटे तौर पर 4.5 महीने बचे हैं। इसका मतलब है कि अब भी स्मार्टली टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं और बैंक अकाउंट में सालाना 15 लाख की सैलरी क्रेडिट होती है, तो अच्छी टैक्स प्लानिंग करके आप 83,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। रिश्तेदारों या मित्रों से मकान खरीदने के लिए लोन लिया है तो उस पर लगने वाला ब्याज की कटौती क्लेम की जा सकती है। NPS में इन्वेस्ट से अतिरिक्त छूट मिलती है। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में सालाना 50,000 रुपये तक के निवेश करके धारा 80CCD 1B के तहत धारा 80C के अतिरिक्त कटौती क्लेम भी की जा सकती है। अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो NPS में इन्वेस्ट करके अतिरिक्त 50,000 की कटौती हासिल कर सकते हैं। इससे टैक्स भी बचेगा और रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत भी हो जाएगी। धारा 80C के तहत पूरी छूट लें। धारा 80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1.5 लाख तक के इन्वेस्ट पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। 80C के तहत इतने तरह के इन्वेस्ट पर मिलती है कटौती। आप अपना पत्नी या बच्चों का जीवन बीमा प्रीमियम PPF EPF ELSS सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन के मूलधन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग FT स्कीम में एक वित्त वर्ष के भीतर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। होम लोन ब्याज पर सबसे बड़ी कटौती मिलती है। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी कटौती होम लोन पर चुकाई गई राशि पर मिलती है। धारा 24 के तहत रहने के लिए मकान पर चुकाया ब्याज पर अधिकतम 2 लाख तक छूट ले सकते हैं। इस कटौती के लिए जरूरी नहीं कि हम होम लोन किसी बैंक या वित्तीय संस्था ही से लिए हो। रिश्तेदार या मित्रों से भी यदि लोन लिया है तो उस पर भी ब्याज की कटौती क्लेम की जा सकती है। हेल्थ कवर लें, टैक्स भी बचाएं। अपना जीवन साथी और या फिर बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर अधिकतम 25,000 रुपये और माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती क्लेम कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य बीमा नहीं है और केवल प्रिवेंटिव वेल्थ चेकअप पर कोई खर्च किया है तो ऐसे खर्चों पर अधिकतम 5,000 रुपये की कटौती क्लेम की जा सकती है।